हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ डेली यूज सेंटेंसेस। हम बच्चों के साथ डेली इंग्लिश में कैसे बातें करें, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ इंग्लिश में बातें करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो बच्चे सीखेंगे और वो बात करने की उन्हें आदत पड़ेगी। वो अगर बात भी ना कर पाए इंग्लिश में तो कोई बात नहीं, शुरुआत हमें ही करनी होगी, हमें बोलना होगा उन्हें इंग्लिश में, उनसे इंग्लिश में, तो वो भी धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे। वीडियो मेरा पसंद आएगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जूते अंदर मत लाओ। होता है ना, हम बच्चों से बोलते हैं कि जूते अंदर मत लाओ वरना गंदे हो जाएंगे। तो डोंट ब्रिंग शूज इनसाइड, डोंट ब्रिंग शूज इनसाइड, मींस इनसाइड मींस अंदर। अबे छुओ मत, डोंट टच, छुओ मत, डोंट टच। क्योंकि होता ना, कभी कभी बच्चे गंदी चीज़ छू देते हैं, तो हमें क्या बोलना होगा, डोंट टच, छुओ मत, डोंट टच, डोंट टच दिस थिंग्स। ओके, मैं इस तरह से गुस्सा मत हो, होता है ना, हम लोग बोलते हैं बच्चों से गुस्सा मत हो बेटा, तो इसका हो जाएगा डोंट गेट एंग्री माय सन, या फिर डोंट गेट एंग्री। ओके, डोंट गेट एंग्री। निराश मत हो, बच्चे कभी कभी निराश हो जाते हैं कि मम्मा मैं मुझसे ये नहीं हो पाया आज, तो हम बोलेंगे डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, निराश मत हो। अपने जूते पहने रखो। कभी कभी होता है कि बाहर जाना होता है और बच्चे जूते खोलने लगते हैं, तो हमें कहना होगा कीप योर शूज़ ऑन, अपने जूते पहने रखो, कीप योर शूज़ ऑन। मेरे कपड़े मत खींचो। कभी कभी बच्चे शरारत करते हैं, कपड़े खींचते हैं या गुस्से में कपड़े खींचते हैं, तो डोंट पुल माई क्लॉथ्स, यहाँ क्लॉथ्स की जगह साड़ी सूट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डोंट पुल माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े मत खींचो। फिर अपनी नाक दिखाओ मुझे। कभी क्या होता है कि बच्चों को चोट लगी होती है, तो हम बोल सकते हैं कुछ भी पार्ट्स के, बॉडी पार्ट्स कोई भी हो सकता है बॉडी पार्ट्स, तो शो मी योर नोज़, अपनी नाक मुझे दिखाओ, क्या तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तो डू यू नीड हेल्प। कभी कभी बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो डू यू नीड हेल्प, इस तरह से बोलेंगे। फिर मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करो। ओके, तो ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करो। अब मैं तुमसे प्रश्न पूछने जा रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी मुझे जवाब चाहिए, मतलब हम लोग बोलते हैं ना मुझे जवाब चाहिए, तो आई वॉन्ट आंसर, मुझे जवाब चाहिए, आई वॉन्ट आंसर। अभी क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कभी कभी बच्चे ऐसे शरारत करते हैं कि हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ऐसे बोल सकते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट है मेरी चिंता मत करो। कभी कभी बच्चे मम्मी पापा की चिंता भी करने लगते हैं, तो मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी। अभी हंसना बंद करो, तो स्टॉप लाफिंग, क्या बोलेंगे, स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। नेक्स्ट है क्या तुम धीरे नहीं बोल सकते, बच्चे कभी कभी बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं, तो कांट यू स्पीक स्लोली, तो हमें क्या बोलना होगा, कांट यू स्पीक स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे। क्या तुमने ये किया, तो डिड यू डू सो, क्या तुमने ये कर लिया, तो डिड यू डू सो। नेक्स्ट है डरो मत, तो डोंट फियर, डोंट फियर, फियर मीन्स डरना। अबे ऐसा मत समझो या फिर ऐसा मत सोचो, तो डोंट थिंक सो, थिंक मतलब सोचना होता है, तो ऐसा मत सोचो, डोंट थिंक सो। उसे दोष मत दो। कभी कभी होता है बच्चे दूसरों पे दोष डालना शुरू कर देते हैं कि मैंने नहीं किया, ये उसने किया है, ऐसे करके बोलते हैं, तो फिर हम बोलते हैं उसे दोष मत दो, मतलब डोंट ब्लेम हर। अगर वो किसी गर्ल पे डाल रहा है तो हर हो जाएगा, हम बोलेंगे डोंट ब्लेम हर, और अगर वो किसी बॉय पे ब्लेम डाल रहा है तो हम बोलेंगे डोंट ब्लेम हिम। डिपेंड करता है कि वो जिस पे वो ब्लेम डाल रहा है वो फीमेल पर्सन है या फिर मेल पर्सन है। फीमेल पर्सन है तो हर हो जाएगा, यानी डोंट ब्लेम हर, अगर मेल पर्सन है तो डोंट ब्लेम हिम हो जाएगा। नेक्स्ट, जोर से बोलो। कभी कभी बच्चे बहुत धीरे बोलते हैं, तो हमें बोलना होता है ज़ोर से बोलो, तो इसका हो जाएगा स्पीक लाउडली, ज़ोर से बोलो। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में नीचे दिया है, उसे आपको प्रेस करना है।
तो फिर ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।